बिहार के दरभंगा में अग्निपथ योजना को लेकर तीसरे दिन भी जमकर प्रदर्शन हुआ। इस दौरान आक्रोशित युवाओं ने सड़क पर जाम लगा दिया। इसमें बच्चों से भरी एक स्कूल बस फंस गई। बस के बाहर प्रदर्शनकारी लाठी डंडे लेकर खड़े थे। बच्चों ने उन्हें देखा तो रो पड़े। घटना का वीडियो सामने आया है। वीडियो में 7 से 8 बच्चे स्कूल बस में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। इन बच्चों ने स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी है। बस के अंदर मौजूद एक व्यक्ति ने जैसे ही बच्चों से पूछा कि क्या आपको डर लग रहा है, तो बच्चे रोने लगे। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दिया। ये वीडियो शुक्रवार का है। दरभंगा के म्यूजियम गुमटी के पास आक्रोशित युवाओं ने सड़क पर जाम लगा दिया। वहीं कई युवा ने रेलवे ट्रैक पर बैठकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसी जाम में स्कूल बस फंस गई। बाद में पुलिस ने वहां पहुंचकर बस को जाम से निकलवाया। इस दौरान करीब 1 घंटे तक ट्रेनों का आवागमन ठप रहा। इधर घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना, विश्वविद्यालय थाना, GRP और RPF के जवान मौके पर पहुंच गए, जहां उन्होंने युवाओं को समझा बुझाकर रेलवे ट्रैक से हटाया और आवागमन शुरू करवाया। बता दें कि केंद्र की सेना में अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार तीसरे दिन भी जला। राजधानी पटना समेत 25 जिलों में जमकर उपद्रव हुआ। दानापुर और लखीसराय स्टेशन समेत आधा दर्जन से अधिक स्टेशनों पर आगजनी भी की गई। 9 ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस पर पथराव किया गया। कुछ जगहों पर पुलिस ने लाठीचार्ज और फायरिंग भी की। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।